नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म ऑल एग्जाम ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इंटरव्यूज के बारे में और इंटरव्यू में हमारा जो ड्रेस कोड है वो कैसा होना चाहिए, किस तरह की हमें ड्रेस पहननी चाहिए और किस तरह की ड्रेस हमें नहीं पहननी चाहिए, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इंटरव्यू आपका किसी का भी हो सकता है, जैसे खासकर यूपीएससी के इंटरव्यूज या किसी भी स्टेट का पीएससी हो सकता है, या जैसे कि एनडीए सीडीएस का जो एसएसबी हो सकता है, या पर्सनल इंटरव्यू किसी भी एग्जाम्स के बाद आपके होते हैं। होता क्या है कि कई बार जैसे हम लोग नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, नॉर्मल मतलब जैसे इनफॉर्मल या कैजुअल पहनते रहते हैं, या समटाइम्स तो दूसरी तरीके के कपड़े पहनते रहते हैं, लेकिन इंटरव्यूज में एक खास तरह का हमें ड्रेस पहनना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि कोई भी अगर कैंडिडेट उस तरह का ड्रेस की उसको हैबिट नहीं है, और जब वो पहली बार उस ड्रेस को पहनता है तो वो अनकंफर्टेबल फील करता है। अनकंफर्टेबल फील करने का मतलब ये है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो साइज है या शेप है या उसकी जो स्टिचिंग है वो उस गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि उसकी आदत नहीं है तो उसने कभी भी अंदाजा नहीं लगा पाया अपने मेजरमेंट के बारे में कि ये किस तरह की चीज या कितना मेजरमेंट हमारे लिए ज्यादा फिट होता है। कई बार ऐसा होता है कि उस तरह के कपड़े ही हमने कभी नहीं पहने, तो हम पहली बार पहनते तो हमें ऐसा लगता है या किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि या क्या ये मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है। हम सोचते हैं कई बार साई हो जाते हैं, शर्म आने लगती है, एम्बेरसमेंट फील होता है, तो कई बार ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये कि वैसे तो हम लोग को इंटरव्यूज की जो ड्रेसेस होते हैं उन ड्रेसेस को पहनकर हमें हैबिचुअल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको ये पता चल गया कि हमारा इंटरव्यूज रिसेंटली आपका एक महीने में, डेढ़ महीने में, या समटाइम्स जो भी है आफ्टर सम टाइम है, तो उस तरह का ड्रेस हमें रिहर्स कर लेना चाहिए, रिहर्सल कर लेना चाहिए उस तरह के ड्रेस को हमें पहनने में कंफर्ट होता क्या है। जैसे जब हम कभी भी नया ड्रेस पहनते हैं तो क्या होता है कि मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही है या मुझ पर अच्छी लग रही है, तो कई बार हम इधर दाएं या बाएं, राय ऊपर नीचे देख कर जो है थोड़ा सा अजीब सा महसूस करते हैं, क्या वाकई में अच्छी लग रही है। तो सबसे पहले ये है, मैं एक आपको टिप्स देना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी ड्रेस आप पहनते हैं, दुनिया के या जमाने के ऊपर मत जाए कि लोग क्या कहते हैं। जब भी ड्रेस पहने तो उसको अपने जो है मिरर में आप जरूर देखें। मिरर में देखते समय आप पूरा ड्रेस जो है आप देखिए। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने मेरा मिरर है ना, तो ये कैमरा मेरा मिरर है, तो मिरर में मैं जब अपने आप को देखूंगा तो ये क्लियर होता है। क्या डिफेंस में जब भी ट्रेनिंग के दौरान या कोई भी ड्रेस पहनता है तो उस ड्रेस को पहनने के बाद लोगों का एक स्टेटमेंट जरूर होना चाहिए कि मिरर के सामने आप खड़े होइए, आप ऐसे करके खड़े होते हैं और उसके बाद में घूमते घूमते पूरा का पूरा ऐसे देखने के बाद, ऐसा देखने के बाद हम वापस आ जाते हैं और अपने मन में ये बोलना चाहिए क्या एम आई लुकिंग स्मार्ट, क्या मैं स्मार्ट दिखता हूँ या दिख रहा हूँ। तो उसमें हमारे अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस आता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी ड्रेस पहनते हैं और ड्रेस पहनने पर अगर वो हमारे लिए अच्छी है, अगर कोई हमको ये बोलता है ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लग रही है, देन वी फील पॉजिटिव और हमारे अंदर बहुत बढ़िया एकदम पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। होता क्या है कि जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हम उसको अच्छा समझते हैं और अच्छा समझने पर हम उस चीज को और भी अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए हम आपको पहले हिंदी में बता देते हैं, अदरवाइज इंग्लिश में बता देंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किस तरह का बेसिक ये जो हमारा ड्रेस कोड का है ये बहुत ही स्टैंडर्ड है, आप किसी भी इंटरव्यूज में इसको लागू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी खास पर्टिकुलर कोई इंटरव्यू है उसी के लिए हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू के लिए क्या पहने, खासकर मेल के लिए, पुरुषों के लिए क्या पहनना चाहिए। जैसे कॉलम वाइज दिया गया है देखिए, और आपको फिगर वाइज भी दिया गया कि आपको बताते भी रहेंगे। जैसे सबसे पहले दिया है, पहला जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट को आप समझ दें, पॉइंट को समझने की कोशिश करें। लिखा गया है पहला जो पॉइंट है वो दिया गया है सॉलिड नेवी ब्लू। ये देखिए सॉलिड नेवी ब्लू, जैसे नेवी ब्लू का मतलब डार्क ब्लू नहीं, बहुत ही डार्क नहीं, नेवी ब्लू ब्लैक हो सकता है। एक तो ये देखिए नेवी ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, या कह सकते हैं डार्क ग्रे रंग का सूट, सूट मतलब जैसे कोट सूट, ये कहने का मतलब, जिसके ऊपर कोई प्रिंटिंग अथवा डिजाइन ना हो, फिटिंग अच्छी होनी चाहिए, यू नो वेरी बात में। दूसरा जो दिया गया है हाँ, उसके ऊपर प्रिंटिंग अथवा जैसे किसी भी तरह का डिजाइन, कोई आपका डिजाइन नहीं होना चाहिए, बॉर्डर्स वगैरह या किसी भी तरह का कोई स्टिकर वगैरह इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा दिखा है, अब उसके बाद में आती है डार्क कलर के सूट के साथ उस कलर पर सूट करने वाले हल्के रंग की शर्ट। अब शर्ट भी जैसे पहननी है आपको, तो अब किस तरह का शर्ट पहनना है उसके लिए फिर थोड़ा ध्यान रखो। अब ज्यादातर देखिए आप मुझे अभी देखेंगे तो मैंने व्हाइट शर्ट देखो डाला हुआ है और ये ब्लू है। तो अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया हुआ करते हैं, बेसिकली जैसे व्हाइट कलर का, व्हाइट हो गया, ऑफ व्हाइट भी हो सकता है, मतलब देखिए जो मैं पहना हूं ये
लगभग व्हाइट है, ऑफ व्हाइट मतलब जिसको क्रीम कलर लोग कभी कभार बोलते हैं उसके सेंस में, बहुत हल्का ब्लू, हाँ बहुत हल्का ब्लू, जैसे ये देखिए आप, ये बोलते हैं ये देखिए बहुत हल्का ब्लू है ना। उसके बाद में बहुत हल्का शर्ट लॉन्ग स्लीव होनी चाहिए, आप देख रहे हैं स्लीव का मतलब समझते हैं ये है। एक्चुअली होता है क्या, लॉन्ग स्लीव का मतलब जैसे होता है कि जो हमारा कोट होता है ना, कोट को पहनते समय उसके बाद में जो यहाँ स्लीव लॉन्ग होनी चाहिए, ऐसा ना शॉर्ट स्लीव नहीं होनी चाहिए, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कुछ जो आपका तीसरा पॉइंट दिया गया, सूट के रंग से मैच करते हुए रंग की टाई होनी चाहिए। अब देखिए टाई की बात करेंगे तो सूट के रंग से मैच होती है, टाई का मतलब जैसे यहां पर ये दिया गया है, अब यहां पर देखिए मैच करने का मतलब क्या है कि इतना भी कॉन्ट्रास्ट नहीं होना चाहिए कि वो अजीब सी दिखे चमकती हुई। अब जैसे हाँ खासकर अब ये टाई की बात करेंगे तो टाई यहां पर दिए गए हैं, देखिए रेड है, ब्लू है और येलो टाई है। अब यहां पर देखिए व्हाइट कलर का शर्ट पहनते हैं तो आप सोचिए कि व्हाइट कलर शर्ट है तो आप रेड भी लगा सकते हैं, ब्लैक भी लगा सकते हैं, ब्लू भी लगा सकते हैं और येलो भी लगा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। आप जैसे कई बार ऐसा होता है उसमें डिजाइन बने हुए तो डिजाइन नहीं, हमको प्लेन चाहिए, प्लेन चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं लाइंस में जैसे कुछ लाइनें बनी होती हैं उस तरह कभी इतना ज्यादा ठीक नहीं होता है, बेसिकली हमें प्लेन टाई पहनना चाहिए और हमें ये जो सूट पे मैच करना चाहिए, आप शर्ट को मिलाते नहीं है, सूट को मिलाते हैं, तो सूट के ऊपर मैच करनी चाहिए टाई, ये है। उसके बाद हम लोग आते हैं जो भी आपका नंबर है देखते हैं, ये जो हमारा जो तीसरा पॉइंट था सूट के रंग से मैच करते हुए रंग की टाई होनी चाहिए। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए कई बार ऐसा होता है जैसे हम सूट जैसे हमने ब्लैक पहन लिया या ब्लू पहन लिया तो जो हमारे शूज हैं उनका कलर कैसा होना चाहिए, तो उनके कलर के लिए जैसे ऐसा नहीं कि रेड शूज पहन लें आप, रेड है कई बार देखिए बहुत ज्यादा स्टाइलिश शूज आ जाते हैं तो उनको आप नहीं पहन सकते। एक फॉर्मल का मतलब समझते हैं, फॉर्मल शूज, फॉर्मल शूज का मतलब यहां पर है लेदर की शूज होना चाहिए, ठीक है। शूलेस फीते जैसे लिखा शूलेस फीते वाले है ना, जिनकी नोक ज्यादा लंबी ना हो। अभी देखिए कई बार स्टाइलिश है नोक जो है लंबी हुई है या उभरी हुई है या किसी भी तरह का स्टाइल नुमा जैसे है नागरे जैसा, इस तरह का शूज नहीं होना चाहिए है ना, एकदम प्लेन होना चाहिए। उसके बाद में काले रंग के लेदर सर्वाधिक, जाहिर सी बात है लेदर का मतलब है ब्लैक। अब जैसे कि आप रेड चीप जैसा आता है जैसे कि हल्का ब्राउन हो सकता है या मान लीजिए थोड़ा रेड कलर का है, ये सब नहीं चलेगा क्योंकि ब्लैक शूज बहुत अट्रैक्टिव होता है। एक कहावत है बिल्कुल आसान सी, एक डिफेंस में कहावत कही जाती है कि जिस आदमी के जूते में चमक हो या चेहरे में चमक हो आदमी उसी को सलाम करता, ऐसी कहावत है। आई मीन टू से ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए आपको। तो शूज की बात करेंगे तो लेदर शूज वो भी कैसा ब्लैक। और सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कई बार लोग फंकी स्टाइल में कुछ भी पहनते हैं जैसे गले में चैन हो गया, हाथ में अंगूठी या एक है तो चलो ठीक है दो चार पांच अंगूठियां पहन लेते हैं, उसके बाद में हाथों में अजीब अजीब तरीके के ब्रेसलेट या कई दुनिया भर की चीजें वो अपनी लपेट लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप कोई बाबा टाइप है तो इस तरीके फंकी स्टाइल नहीं चलेगा। गले में चैन नहीं होनी चाहिए, अंगूठी वगैरह नहीं होनी चाहिए या अन्य कोई ज्वेलरी इत्यादि ना हो, क्योंकि ये ज्वेलरी की नहीं, क्योंकि आप एक फॉर्मल ड्रेस में है इस वजह से, ठीक है। हाँ घड़ी चलेगी, घड़ी चलेगी, अभी आगे लिखे होगा आप देखते हैं। उससे नंबर देखिए आपका जो सिक्स पॉइंट दिया गया है, पॉइंट नंबर सिक्स, अब उस पे आते हैं। ये दिया गया है आपके बाल प्रोफेशनल कट होने चाहिए। अब बालों का स्टाइल कैसा होता है देखिए, प्रोफेशनल आजकल बहुत सारे लोग कई बार ऐसा होता है कि जो सूट पे मैच करे हमारा जो हेयर स्टाइल हेयर कट उसको हमें करना चाहिए। अब आप जानते हैं कि अगर ज्यादा लंबे बाल हैं तो भी नहीं चलेंगे, बहुत ही छोटे बाल हैं वो भी नहीं चलेंगे। हाँ कई बार ऐसा हो जाता है कि कई बार किसी व्यक्ति का ट्रेजेडी हो जाती है तो हिंदू परंपरा के तहत उनके सर को मुड़वा दिया जाता है, वो एक अलग बात है। देखिए यहां पर उसके लिए भी है प्रावधान, आपके बाल प्रोफेशनल कट होने चाहिए, बालों पर अधिक तेल या जेल नहीं लगाना चाहिए। अब जैसे बहुत ज्यादा ऑयली हो जाएंगे तो चिपचिपे हो जाएंगे तो खासकर वो चिपक जाएंगे, चिपके हुए बाल अजीब से लगते हैं, ये मतलब है। उसके बाद में बहुत ज्यादा जेल भी लगाएंगे तो भी वो बनावटी लगेंगे। बहुत साधारण तरीके से एक साइड की मांग निकालकर बालों को ठीक से सेट कर लें, एक साइड की मांग मतलब जैसे इस साइड से या जो भी आप इस साइड से, आप ऐसा नहीं कि तेरे नाम जैसा हम लोग कर लेते हैं, वो चीज नहीं चलेगी क्योंकि स्टाइल जो है सूट पर चाहिए हमको है ना, इनफॉर्मल कपड़ों पर नहीं। उसके बाद में सेवन नंबर पे दिया गया है आपकी दाढ़ी या तो क्लीन सेव हो। आप जैसे देखिए ये तो आपको डिसाइड करना होगा, देखिए आप अगर कोई भी इंटरव्यूज दे रहे हैं मान लीजिए 21 साल के हैं या 25 साल के हैं या 30 साल के हैं तो ये मान के चलो आपकी दाढ़ी तो आई होगी 20 साल से या 18 साल से, तो आप खुद हैबिचुअल हो जाते हैं कि मुझ पर
मेरा जो लुक है वो किस पे अच्छा लगता है, बहुत हल्की दाढ़ी पे अच्छा लगता है या क्लीन से पे अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा दाढ़ी तो बना ही नहीं सकते या मतलब रख ही नहीं सकते, ये कहने का मतलब। तो या तो फिर देखें कैसा क्लीन शेप, अगर आप क्लीन शेप में अच्छे लगते हैं तो आप क्लीन शेप रखें, अथवा बहुत बारीक ट्रिम, जो ट्रिमर आता है ट्रिमर से आप बहुत ही बारीक कर सकते हैं, जो भी आपका पॉइंट हो, एक पॉइंट दो पॉइंट ऐसा कर सकते हैं। मूंछों को भी आप ट्रिम करवा लें या सेट करवा लें। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत स्टाइल में कि क्लीन शेप तो हो गया लेकिन मूंछे आप घुमा के एकदम वीरप्पन जैसा बना लेते हैं तो वो भी नहीं चलेगा, ये सब इंटरव्यूज में नहीं चलेगा, मतलब उसका एक सेट होता है। और इसी वजह से ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके के आपके एग्जाम्स के लिए हो सकते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट है आपका जैसे नाखून है, नाखून आपके कटे हुए और साफ सुथरे होने चाहिए, हाथ की उंगलियां। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि इंटरव्यूअर जो होते हैं वो सारी चीजें आपकी परखते हैं, कई बार तो कैमरेज का तो प्रावधान है ही आजकल, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जैसे आप मान लीजिए आप कहीं पर भी जाइए, एक मैनर है कि किसी भी व्यक्ति के शरीर से स्मेल नहीं आने चाहिए, हालांकि ऐसा तो होता ही नहीं है लेकिन समटाइम्स आदमी नहाता भी है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है। इसी वजह से धुले हुए कपड़े हैं और कपड़ों में जैसे कोई दाग धब्बा इस तरह का नहीं होना चाहिए, वो चीज है। अब जैसे देखिए डियो अथवा परफ्यूम बहुत ही ज्यादा माइल्ड होना चाहिए, माइल्ड मतलब हल्का होना चाहिए। अब ऐसा नहीं डार्क जैसे बोलते हैं या बहुत हैवी परफ्यूम लगा दिया, जो आपने लगाया तो पता लगा पूरे मोहल्ले में पता चल गया कि आपने डियो या कोई भी परफ्यूम लगाया है, ऐसा नहीं। बहुत ही सौंधी, बहुत ही हल्की खुशबू वाला होना चाहिए ताकि किसी व्यक्ति को अगर महसूस भी हो तो उसे थोड़ा अच्छा फील हो। मॉर्निंग स्टाइल ना जैसे फ्रेश स्टाइल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ही हैवी डाल दी जाए, ऐसा नहीं। और उसके बाद में क्वेश्चन जो भी सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, कपड़ों के ऊपर कोई दाग धब्बा ना हो इसलिए एक दिन पहले से ही सब चेक कर लें। अब ऐसा भी होता है भाई, एक दिन पहले से तो चेक कर सकते हैं, कई बार ऐसा है कि सब्स्टिट्यूट वगैरह भी रख लेना चाहिए, हो जाता है हादसा हो जाता है, ऐसा नहीं है वो एक अलग बात है, इमरजेंसी अलग बात है, लेकिन कपड़े पे कोई दाग धब्बा ना हो। जैसे मान लीजिए आपने ध्यान ही नहीं दिया कॉलर पे कोई दाग धब्बा है या सामने कोट सूट पे है या कहीं पर पैंट में भी हो सकता है, तो या चलते समय ऐसा होता नहीं है, इंटरव्यूज में जाने से पहले आप एक दूसरे कोई भी दूसरा कैंडिडेट हो सकता है उसे भी कह सकते हैं सामने वाले से कि हाँ देखिए मेरा जो ड्रेस है, इसी वजह से मैंने पहले से बताया था किसी भी मिरर के सामने आप ये देख के बोलिए, पूरा ड्रेस चेक करिए और बोलिए आई एम लुकिंग स्मार्ट, वो ज्यादा बेहतर होता है, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। चलिए अब जैसे देखिए एक बार और बता देते हैं, जैसे कई बार होता है कि जैसे आप बेल्ट लेते हैं, बेल्ट भी जो है आपका कैसा होना चाहिए, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपका लेदर का बेल्ट होना चाहिए और उसके जो ब्रेसेस हैं या वो बहुत ही स्टाइलिश नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि दिल के आकार का बना लिया या तितली का या गिटार वाला जो होता है ना, तो वो चीज नहीं चलेगी, एकदम सिंपल होना चाहिए। सॉक्स जो है मैच ट्राउजर से मैच करने चाहिए, जैसे ऐसा भी नहीं है कि आपका ट्राउजर ब्लू कलर का है या ब्लैक कलर का है तो अब ऐसा नहीं कि आप रेड कलर के सॉक्स पहन ले तो एकदम अजीब सा लगेगा, क्योंकि जब बैठते समय हमारे सॉक्स तो दिखते ही हैं थोड़े बहुत ऐसे, तो वो मैच करना चाहिए बेसिकली जैसे शूज के साथ या मान लीजिए सूट के साथ। और उसके बाद में टाइज के बारे में तो आपको पता है, हाँ कई बार ऐसा होता है कि आप अगर चश्मा स्पेक्टिकल यूज करते हैं, किसी आई साइट वीक है आप, तो चश्मा भी आपका ऐसा होना चाहिए। आजकल हालांकि ऐसा नहीं है, आजकल बहुत स्टाइलिश चश्मे चल गए लेकिन जो बिना फ्रेम का होता है वो सबसे ज्यादा बेहतर होता है हमारा चश्मा। हाँ अगर कुछ ऐसा हो कि एक आपका सिंगल फ्रेम हो, एक स्पेशल मतलब सॉलिड फ्रेम होता है जो हमारा साधारण एकदम सिंपल फ्रेम होता है वो चलेगा, लेकिन कोई भी स्टाइलिश चश्मा गोगल टाइप इस तरह का स्टाइल नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं इमेज को थोड़ा सा देख सकते हैं, देखिए ये आपका ड्रेस कितना बढ़िया है, ब्लैक शूज है, ये आपका ड्रेस का पैंट है, उसके बाद में शर्ट, उसके बाद में उसी तरह का ट्राई और उसके बाद में आपने उसको पहन लिया, ये अच्छा। बाकी के हाव भाव को लिए हमने बताया ना आपको, आप इस चीज के रिहर्सल कर सकते हैं, और वैसे भी किसी भी इंटरव्यूज के ड्रेस को या फॉर्मल ड्रेस को लोगों को हमेशा पहनना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे, महिला अभ्यर्थी के लिए, फीमेल्स के लिए हमें किस तरह का सूट या किस तरह का ड्रेस पहनना चाहिए, तो हमारे पास पॉइंट्स है। ये देखिए पॉइंट है पहला, आप सामने तस्वीरों में भी देख सकते हैं जैसे इस तरह का। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि हमारे इंडिया में कहा जाता है कि साड़ी जो है महिला पे बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई महिला साड़ी में या कंफर्टेबल नहीं महसूस करती, उसने कभी पहनी ही नहीं है, तो उसके लिए सूट का प्रावधान है, ऐसा नहीं है, वो सूट कोट सूट सॉरी सूट भी पहन सकती है, जिसको सलवार सूट बोलते हैं,
दुपट्टे का कलर, सैंडल या उसके लिए कितनी ज्वेलरी होनी चाहिए, उसके लिए कितना मेकअप होना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मेकअप कर लें और ऐसा भी नहीं कि बहुत स्टाइलिश सूट या पार्टी वेयर टाइप पहन लें, ऐसा नहीं। उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे लिखा गया है, पहला पॉइंट है, महिला व्यक्ति साड़ी या कुर्ते सूट में से कोई एक पहन सकती है। इंटरव्यू में साड़ी सर्वाधिक प्रभावशाली होता है, किंतु कुछ महिलाएं साड़ी पहनने में कंफर्ट महसूस नहीं करती, अतः या तो वे महिलाएं इंटरव्यू से पहले साड़ी पहन लें, साड़ी पहनकर चलने के फिरने की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लें, अथवा कुर्ता पहनकर ही इंटरव्यू में शामिल हों। अब वही तो मैंने बताया, कई बार ऐसा होता है कि हम हैबिचुअल नहीं होते साड़ी के, तो ऐसा नहीं कि पहली बार में आपने साड़ी पहनी, पता लगा साड़ी को सही से बांध भी नहीं पाया और उसमें आपको लूज लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है। और भाई जब अनकंफर्टेबल लगेगा तब आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, जो हमारा इंटरव्यू होगा वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारा ध्यान अपने ड्रेस पर होगा और कई बार एम्बेरसिंग फील होगा तो उसमें आप, और वैसे भी आप जानते हैं कि हमारे इंटरव्यूज में हमारी आधी ताकत वैसे भी खत्म हो जाती है कि जो हमसे पूछा जाता है वो तो समझ में आता नहीं है, और अगर अनकंफर्टेबल फील करेंगे तो वो भी तो नहीं समझ में आएगा। इस वजह से इसकी ड्रेस की थोड़ी सी आपकी रिहर्सल हो जाएगी तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। उसके नंबर पॉइंट टू है, साड़ी अथवा कुर्ते का रंग अधिक चमकीला ना हो। चमकीला मतलब मैंने पहले से बता दिया, पार्टी वियर नहीं, एकदम बहुत चमक दमक वाला जैसे सितारे जड़े हुए ड्रेसेस नहीं होने चाहिए उस तरह के। साड़ी अथवा कुर्ते पर अधिक कढ़ाई बुनाई, हमने बताया कढ़ाई बुनाई जैसे कि कुछ स्पार्कलिंग जैसा कुछ ना हो, काम ना हुआ हो और ज्यादा प्रिंट वाला भी ना हो, और प्रिंटेड भी नॉर्मल चलता है। ऐसा नहीं है कि साड़ी बिल्कुल प्लेन साड़ी ढी पहननी हो, किंतु वह ध्यान रखें कि वह साधारण और आकर्षक हो। साधारण का मतलब जैसे आप जानते हैं कि आजकल ऑफिसेज वगैरह में जो लेडीज साड़ियां पहनती है बहुत ही अट्रैक्टिव या स्टाइलिश लगती है उस तरह के, ये तो आप जानते हैं। देखिए महिला है और जो महिला अभ्यर्थी अपने गहने को या अपने आभूषणों को बहुत बेहतर तरीके से समझती है, उसको उसके हिसाब से समझना चाहिए। अब देखिए हमारा जो पॉइंट तीसरा दिया है, साड़ी अथवा कुर्ते का रंग अधिक गहरा ना हो, गहरे काले नीले पीले लाल इत्यादि को पहना प्रेफरेंस ना दें, बल्कि हल्का रंग अधिक आकर्षक होता है। अब जैसे एकदम गहरा काला होगा तो नहीं चलेगा, एकदम ब्लू होगा और बहुत ही ज्यादा पीला होगा या बहुत ही ज्यादा रेड रेड होता है तो वो सब नहीं, बहुत ही देखिए कलर, देखिए आपका ये कलर दिख रहा है आपको इस तरह का, स्लेटी हो सकता है, हल्का येलो हो सकता है, जैसे कुछ ग्रीन कलर का व्हाइट हो सकता है, जैसे इस तरह का हो सकता है। जैसे आजकल तो बहुत ही ज्यादा वैरायटी आते हैं, आप कैटलॉग में देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा चमक धमक वाला नहीं होना चाहिए। उसके बाद में देखिए फोर्थ पॉइंट में हम लोग कह रहे हैं, देखिए जिन महिलाओं को साड़ी में चलने फिरने अथवा अधिक समय तक साड़ी पहनने है ना अगर रखने का अभ्यास ना हो, वो महिलाएं पहले से अभ्यास कर लें। अब जैसे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें आप, हाँ अब देखिए आप साड़ी का जो स्टाइल है आप देख रहे हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्टाइल आपको पता होना चाहिए, कैसे हमें खड़ा होना है, कैसे हमें बैठना है, ये इंटरव्यूज के लिए बहुत मायने रखती है। पर्सनैलिटी जो होती है, पर्सनैलिटी का बहुत इंप्रेशन होता है हमारे इंटरव्यूज में, ये कहने का मतलब है। तो उनकी आदत होनी चाहिए, आदत नहीं है तो आप प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस इन द सेंस आपका एक महीना दो महीने से पहले पता ही चल जाता है कि हमारा इंटरव्यू होने वाला है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो आप कोट्स मतलब जो सलवार सूट है वही में जाइए। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ज्वेलरी बहुत कम होनी चाहिए, झुमके आदि लंबे ना हो, साधारण वाले हो और हाथ में अंगूठियां एक या दो से अधिक ना हो। अब जैसे पुरुषों के लिए तो ये अलाउड नहीं था, महिलाओं में अगर अंगूठी एक पहनना चाहिए तो पहन सकते हैं। और जैसे कि आभूषण, अब आभूषणों में सामान्यता जैसे अगर कोई इयररिंग्स पहनना चाहता है या नोज रिंग्स पहनना चाहता है तो बहुत ही माइल्ड बहुत हल्का होना चाहिए, अब ऐसा नहीं कि बड़ा सा झुमका टाइप या बड़ा सा आकार का हो, वो थोड़ा सा ऑड लगेगा, वो नहीं चलेगा। उसके बाद में सेम वही आपको बताया था, डीओ जैसे चाहे मेल के लिए हो चाहे फीमेल के लिए, परफ्यूम बहुत माइल्ड होनी चाहिए, माइल्ड जैसे खुले बालों की जगह बंधे हुए बाल। अब ऐसा भी नहीं है, देखिए बात है साफ, आप ऐसा नहीं कर सकते, खुले बाल स्टाइलिश बाल नहीं होने चाहिए, आप बंधे हुए बाल, बालों को चोटी बना सकते हैं, चोटी बनाने के साथ एकदम सिंपल चोटी जैसे रबर बैंड से जैसे लिखा भी रबर लगा कर अच्छे से सेट कर सकते हैं नॉर्मली। अब ऐसा नहीं किसी भी तरह का आकृति या जैसे आप पार्टीज में जाते हैं उस तरह की आकृति या इस तरह के स्टाइल्स नहीं बनाने चाहिए, हमें साधारणता एक चोटी से बना लेना चाहिए सीधी सीधी, उसके बाद में एक रबर बैंड लगा दीजिए बस ओके है। हाँ आगे के आप स्टाइल्स को थोड़ा सा साइड से ले सकते हैं या इस साइड से ले सकते हैं या बीच से ले सकते हैं, जैसा भी आपको करना चाहे साइड ले सकते हैं, लेकिन खुले नहीं होने चाहिए। उसके बाद में 9 नंबर पॉइंट, जैसे ज्यादा चमकीले रंग की लिपस्टिक और नेल पॉलिश के प्रयोग से बचें, लिपस्टिक की जगह बहुत हल्के रंग का लिप बाम का प्रयोग कर सकते हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके नंबर जैसे अब 10 नंबर पे जैसे लिखा गया है,
साड़ी के साथ फ्लैट हील, अब जैसे हील की बात करेंगे तो होता है क्या कि जैसे मान लीजिए अगर कोई भी महिला हमारे महिला है तो वो सैंडल तो उसने पहना ही होगा, ऐसे तो है नहीं। कई बार लोग फ्लैट सैंडल पहनते हैं, कई बार हील के पहनते हैं, कुछ वो बहुत ही ज्यादा ऊंची हील का पहनते हैं, तो ऊंची हील से बचें, क्योंकि ऐसा कभी बार होता है कि देखिए जब कोई व्यक्ति चलता है तो ऊंची हील के सैंडल में वो अनकंफर्टेबल फील करता है, उसके जो सही मूवमेंट की बात नहीं हो पाती है, कई बार फिसलने का भी डर रहता है। तो साड़ी के साथ फ्लैट हील सैंडल बहुत अच्छा हो सकता है। इस वजह से ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए होता है क्या कि ड्रेस कोड से क्या है कि जब हम किसी भी ड्रेस को पहनते हैं और ड्रेस को पहनने पर हमें अच्छा महसूस होना चाहिए और अच्छा फील करना चाहिए, पॉजिटिव सोचें, और कोई नहीं बोलता है तो अपने आप से पूछें या दूसरे व्यक्ति से पूछें कि मैं कैसा लग रहा हूं। जब हम अच्छे लगते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है और हम अच्छा जवाब दे सकते हैं और अच्छा फील करते हैं। तो दोस्तों हम लोग इस सेशन में हम लोग ने ड्रेस कोड किया है, ऐसे ही हम लोग हॉबीज के लिए और ऐसे ही हम लोग जो हमारा DAF फॉर्म, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उस पर भी आपको सेशन मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।